हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 25 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले न्यूज आई है, वो आई है 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में। तो देख लेते हैं न्यूज की तरफ भी और क्या है 30 मीटर टेलीस्कोप। देखो, यह एक टेलीस्कोप है जो कि इंडिया भी इसको डेवलप है वो कर रहा है। न्यूज वैसे ये आई थी कि 30 मीटर टेलीस्कोप है, इसमें जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाने हैं उसमें लगभग 70% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। मतलब इंडिया का 30 मीटर टेलीस्कोप को डेवलप करने में अहम योगदान है वो है। अब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। पहली बात तो ये कि इसका काम क्या होगा। 30 मीटर टेलीस्कोप यानी कि TMT, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि काफ़ी बड़े एरिया को कवर है वो बेसिकली करने वाली है। कौन कौन सी कंट्रीज प्रोजेक्ट को बना रही हैं इस टेलीस्कोप को? तो देखो, इसमें है कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए। और इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वो इसको स्थापित किया जाएगा यूएसए के जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे उसको स्थापित है वो किया जाएगा, मौना क्या में। तो जगह का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हवाई आइलैंड में इसको स्थापित है वो किया जाना है। और लगभग 70% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें वो इंडिया की तरफ से है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और इंडिया खुद इसको डेवलप है वो यहाँ पे कर रहा है। इसके बाद में काम क्या होगा? देखो, इसका काम है वो ये होगा कि स्पेस के अंदर यानी यूनिवर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमें मिली नहीं है उनको कलेक्ट करना। इसी के साथ किस तरीके से स्पेस या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ था, तो इन सारी बातों की जानकारी है उसके द्वारा स्थापित है वो की जाएगी। अब देखो, एक तो इसका जो हम बात करें डायमीटर है, उन्हीं के जो व्यास होता है वो है लगभग 30 मीटर के आसपास, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 30 मीटर टेलीस्कोप। इसी के साथ ही जितने एरिया को कलेक्ट करेगी वो है लगभग 655 स्क्वायर मीटर। और ये जो नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे लगभग 12 गुना, मतलब सार का मतलब यहाँ पे है कि उससे 12 गुना काफ़ी क्वालिटी वाला है और एक्यूरेसी उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो UPSC आपसे पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में, KVIC। देखो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट का एक एक्ट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। इसके तहत इसको स्थापित किया गया था 1957 में। और इसी के बाद में इसके लिए ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है वो भी स्थापित है वो किया गया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का काम क्या है वो हम देखते हैं। देखो, मेनली इसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से? एक तो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि रूरल एरिया में लोगों को रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करवाना। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि लोगों को रोजगार देना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों को, हम बात करें तो, एक मतलब प्रॉपर सैलरी वगैरह है, पैसा है वो उनको, फंड है वो मिल सके। ये काम इसके द्वारा किया जाएगा कि लोगों की लाइवलीहुड है उसको सुनिश्चित किया जा सके, कुछ ना कुछ उनको आमदनी हो। तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वाइडर ऑब्जेक्टिव ये है कि सेल्फ रिलायंस, मतलब लोग अपने आप आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। और इसी के साथ ही स्किल है वो भी डेवलप की जाएंगी और स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्प्रिट है इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि रूरल एरिया में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हेल्प से अपने आप को डेवलप है वो किया जाए। इन तीन टारगेट की तरफ फोकस है वो किया जा रहा है। फ़ायदा क्या होगा? इससे पॉवर्टी दूर होगी, इसी के साथ ही एजुकेशन है वो भी बढ़ेगी, स्किल है, स्किल एम्पावरमेंट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें भी हमें काफ़ी बड़ा योगदान है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसके फायदे हैं वो हम देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर ब्रिज है वो बनाया है। मतलब इंडिया ने अपना सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है जिसकी लगभग ऊंचाई है 15,000 मीटर के समथिंग। तो ये ब्रिज बनाया कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, ये ब्रिज है वो जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप है वो किया गया है। बनाया किसके द्वारा गया है? ये ब्रिज बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आता है। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, हमारे देश में डिफेंस संबंधी जो भी डेवलपमेंट होते हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई भी रेल रोड वगैरह बनानी हो, ऐसे काम, रेल नहीं, रोड वगैरह बनानी हो, वो इसके द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ ही नियर बाई जैसे बॉर्डर स्टेट्स हो गए और वहाँ पे बॉर्डर के आसपास कुछ डेवलपमेंट करना हो तो वो इसके द्वारा किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल इंडिया में ही काम नहीं करता है, इंडिया के बाहर की कुछ कंट्रीज में भी, जैसे कि अफगानिस्तान में जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया था जारंग डेलाराम हाईवे, वो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ही किया गया था। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। कहाँ पे लोकेटेड है ये सबसे ऊंचा ब्रिज? ये देखो, लोकेटेड है लद्दाख के आसपास, लद्दाख के पास में, जो कि चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे, उससे लगभग 45 किलोमीटर के पास में ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से रिवर पे है। तो ये जो ब्रिज है ये बनाया गया है स्योक रिवर पे। स्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है?
श्योक रिवर है वो इंडस, यानी कि सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि सिंधु की कौन साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड की। तो ध्यान रखना है, श्योक रिवर है वो इंडस की राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है, और इस पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। किस किस को कनेक्ट करेगा ये ब्रिज? ये देखो जो ब्रिज है वो काराकोरम और जो चेंगमा रेंज है इनको कनेक्ट है वो करने वाला है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ले और जो काराकोरम पास है ना, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिशन इंद्रधनुष का एक दूसरा वर्जन है, जिसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो पहले तो हम मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। देखो मिशन इंद्रधनुष है वो 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जब उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया था। मिशन इंद्रधनुष का मोटो ये था कि हमारे देश में जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है इसको बढ़ाया जा सके, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत टीकाकरण है इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च है वो किया गया था 2014 में। किसके लिए था ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बच्चों और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए प्रोग्राम वो लाया गया था, क्योंकि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के साथ साथ हम जानते हैं कि MMR, इसी के साथ ही चाइल्ड जो रेट है, डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च है वो किया गया था। इसके बाद में इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट ये था कि फुल इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमारे देश में बच्चे जो कि 2 साल तक के बच्चे हैं वो, इसी के साथ ही जो भी प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके, ताकि उनको कोई भी बीमारी है जैसे पोलियो जैसे डिजीज है वो ना हो सके। ये था मिशन इंद्रधनुष। इसके बाद में हुआ क्या, मिशन इंद्रधनुष को थोड़ा मॉडिफाइड करके लॉन्च किया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसका पहला वर्जन आया था 2017 में और अब एक वर्जन लॉन्च किया गया है 2019 में। तो इसको कहा जा रहा है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, जो कि अभी नया लॉन्च है वो किया जा रहा है। देखो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का मतलब ये है कि हमारे देश में जो जो लोग मिशन इंद्रधनुष के तहत रह गए हैं, यानी कि वो बच्चे और वो प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं हो पाई, उनको भी वापस से कवर है वो किया जा सके, और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को आगे और ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो किया जा सके, इसके लिए लॉन्च है वो किया गया था। और अभी इसका एडवांस वर्जन है वो लॉन्च किया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, जो कि इसका सेकेंड वर्जन है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो 4 राउंड में वैक्सीनेशन है वो की जाएगी, यानी कि कोई भी पर्सन है वो ना बच पाए जिसको टीकाकरण की जरूरत है और उससे कोई गंभीर बीमारी फैल सकती है, सभी को इसमें इंक्लूड है वो किया जाएगा। देखो मेनली जो ये मिशन है वो हेल्थ मिनिस्ट्री का है, बट केवल अकेली हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ लगभग 12 और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो कोलेब्रेशन कर रहे हैं, ताकि इस मिशन को नेशनल लेवल पे सक्सेसफुली अंजाम है वो यहाँ पे दिया जा सके। अभी हमारे देश में अगर हम बात करें तो लगभग 87% ऐसे मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे हैं जो कि टीकाकरण अभियान में शामिल हो चुके हैं, बट अभी भी लगभग 13% लोग बचे हुए हैं। तो उन कंप्लीट उन सबको कवर करने के लिए ये सेकंड वर्जन है वो लॉन्च है वो यहाँ पे किया गया है। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। देखो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है यह स्विट्जरलैंड की एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका नाम है क्रेडिट स्विस बैंक ग्रुप, इसके द्वारा ये रिलीज है वो किया गया है, और 10th एडिशन इसका लॉन्च है वो किया गया है। मतलब इसे 2009 में पहले लॉन्च किया गया था, और अब इसका सेकेंड वर्जन है वो जो 10वां जो एडिशन है वो लॉन्च यहाँ पे किया गया है, एनुअल ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आया क्या है? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना है ना वो वर्ल्ड की लगभग 10% जो ग्लोबल वेल्थ है उसको कवर करता है। सबसे पहले देखो अभी तक ये सीन था कि यूएसए के पास ज़्यादा वेल्थ थी, बट अभी आया है कि भाई चाइना के पास वर्ल्ड की 10% अकेले वेल्थ है वो चाइना लेके रखा है। वेल्थ का मतलब धन, धन का मतलब किसी भी पर्सन के पास जो भी एसेट्स है और भी प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, लैंड वगैरह, इन सब को मिला के जो भी बच हुआ उसको बेसिकली वेल्थ के नाम से यहाँ पे जानते हैं। इसी के साथ ही इसमें इनइक्वलिटी पे भी फोकस है वो किया गया है कि भाई इनइक्वलिटी कैसी है। तो इनइक्वलिटी की बात ऐसी है कि 44% जो वेल्थ है ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो वर्ल्ड के जो टॉप अमीर या 0.9% लोग हैं, यानी कि लगभग 1% लोगों से कम ऐसे लोग हैं जिनके पास 44% वेल्थ की प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है, कि 0.9% लोगों के पास वर्ल्ड की 44% वेल्थ है वो यहाँ पे है। इसी के साथ ही दिया गया है कि इनके पास कितनी वेल्थ है, $158.3 ट्रिलियन के समथिंग, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है वो और वर्ल्ड के टॉप 0.9% अमीर लोगों के पास में ही है। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ल्ड के जो अमीर आदमी है, जैसे कि दिया गया कि रिचेस्ट 10% है, उनके पास 82% वेल्थ है, और जो टॉप 1% है इनके पास 45% है। तो दिया गया काफ़ी ज़्यादा मतलब
इनइक्वलिटी देखने को यहाँ मिल सकती है कि विश्व के जो 1% अमीर हैं उनके पास तो 45% प्रॉपर्टी है और जो 10% हो गए इनके पास हो गई है 82%, तो बच्चे कितने 90% लोग बचे लास्ट में, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास हम यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी कम प्रॉपर्टी यानी 18% प्रॉपर्टी बची है और 90% लोगों के पास यानी धन बचा है, तो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वलिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब देखो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है कि इंडिया के पास जो परसेंटेज दिया गया कि 3.3% वेल्थ की बात की गई है, यानी कि इंडिया के पास है वो लगभग पर एडल्ट की जो हम बात करें वेल्थ है वो है यहाँ पे 14,569 डॉलर, वहीं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के पास है वो है 22,502, नॉर्थ अमेरिका के आप देखोगे तो देखोगे यहाँ पे 4,17,000 की समथिंग है, चाइना की है वो 58,000 है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी आप देख सकते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इंडिया है ना वो एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हम बात करें तो पर एडल्ट यानी हर पर्सन के पास जो वेल्थ चेंज हो रही है वो 3.3% की ग्रोथ रेट से हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी कंट्रीज़ की हम बात करें देखो यूएसए जैसी या और जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो रही है किसी की 3.2, किसी की 2.7, किसी की 2.6, बट इंडिया की जो हम बात करें जो वेल्थ है पर एडल्ट के हिसाब से वो ग्रोथ रेट रही है 3.3%, यानी कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ग्रो है वो कर रहा है और इंडिया है वो वर्ल्ड के लगभग 2% जो मिलीनियर्स लोग हैं उनको मतलब काउंट है वो यहाँ पे करता है, या वर्ल्ड के जो 2% मिलीनियर लोग हैं वो अकेले इंडिया में रहते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है BSNL और MTNL के मर्जर के बारे में। देखो इसमें फैक्ट ये ध्यान रखना है कि BSNL और MTNL दोनों ही गवर्नमेंट की PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, दोनों पे लगभग हम बात करें तो 20,000 करोड़ के समथिंग का डेप्ट या घाटा है वो देखने को मिल रहा है, दोनों की एफिशिएंसी क्वालिटी काफ़ी कम है इसीलिए लोगों का दोनों ही कंपनियों पे भरोसा नहीं है और लगातार घाटे से मतलब घाटे में बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए अब गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया है कि भाई BSNL और MTNL को दोनों को मर्जर किया जा सके और एक क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाएँ ताकि इनको घाटे से उभारा जा सके। अब देखो BSNL और MTNL घाटे में क्यों है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन है। देखो एक तो दोनों ही गवर्नमेंट की कंपनी है तो अकाउंटेबिलिटी की बात आए तो शून्य हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, जब आप जाते हो गवर्नमेंट बैंकों में भी तो देखते हैं कि अधिकारी किस तरीके से बात एक दूसरे पर डालते रहते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर आती है। जैसे कुछ रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो दिया गया है ओवर स्टाफिंग। देखो बाकी जो और अदर कंपनी जैसे जियो वोडाफोन एयरटेल वगैरह इनका जो स्टाफ है ना वो है लगभग 25 से 30 हज़ार एम्प्लॉय के आसपास, जबकि अगर वहीं हम बात करें BSNL के पास जो स्टाफ है वो है लगभग 1.66 लाख, यानी कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा तो BSNL के पास स्टाफ है। वहीं MTNL जो कि महानगरों में सर्विस प्रोवाइड करती है उसके पास स्टाफ है 26,679, तो एक तो स्टाफ बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ ही इनको जो मेजर खर्चा होता है वो तो स्टाफ की सैलरी और इन्हीं में निचला जाता है। जैसे दिया गया कि BSNL को जितना रिवेन्यू होता है उसमें से 60% तो इनको जो सैलरी वगैरह इन्हीं में मैनेज करने में चला जाता है और वहीं MTNL की जितना भी रिवेन्यू होता है उसका लगभग 87% का खर्चा तो स्टाफ की सैलरी में जाता है, मतलब ये बचता कुछ है ही नहीं। इसी के साथ मार्केट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। देखो 2016 में जब से जियो लॉन्च किया गया था इसके बाद में कॉलेट काफ़ी कम हो गई थी और मार्केट में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो ऐसे में दोनों ही कंपनियाँ वो वॉइस रेट वगैरह वो कम नहीं कर पाई और घाटे में लगातार बढ़ती गई। इसी के साथ एक फैक्ट ये दिया गया है कि देखो जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं ना इनके में ये कितनी आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ के जो वर्कर हैं एम्प्लॉय हैं इनका एटीट्यूड कैसा है, जबकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉय होते हैं इनका एटीट्यूड काफ़ी रूडली होता है, इसीलिए वहाँ पे जो कस्टमर है वो जाना नहीं चाहता और ये भी एक मेजर रीज़न यहाँ पे हो जाता है, यानी कि प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं रहता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ का, इसीलिए लोग इनसे कन्नी काटते हैं अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से BSNL और MTNL को मर्ज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में। देखो वर्ल्ड बैंक ने अभी 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट है वो जारी यहाँ पे कर दी है। पहला तो क्वेश्चन यहीं पर बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक। इसमें ये बात कही गई है कि भाई जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है तो जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है उसमें एक है सऊदी अरब, दूसरे पे जॉर्डन, तीसरे पे टोगो, फिर बहरीन, फिर तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चाइना, इंडिया और नाइजीरिया। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है ये 12 पैरामीटर के आधार पर जारी की जाती है, यानी 12 इंडिकेटर हैं। जैसे एक तो यहाँ पर हम बात करें कि
जो स्टार्टिंग ही बिजनेस के लेके ओपन बिजनेस कैसे कैसे हो रहे हैं, इम्प्लॉइंग वर्कर्स कैसे हैं, इसी के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कितना जल्दी मिला है, प्रॉपर्टी कितनी जल्दी रजिस्टर की जा रही है। पहले तो हम ये जान लें कि ई जॉब डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है। ई जॉब डूइंग बिजनेस का मतलब यह है कि हमारे देश में किस तरीके से कितना जल्दी कोई बिजनेस है वो सेटअप किया जा सकता है। तो इन कौन अब देखो कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन भी होता है, फिर काफ़ी फॉर्मेलिटीज करानी होती हैं, कंस्ट्रक्शन भी होता है, इसके लिए परमिशन लेनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कमी जो कनेक्शन लेना होता है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना होता है, इसी के साथ लोन वगैरह लेने की बात हो, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वगैरह कराना हो, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ढूंढने हो, टैक्स वगैरह पे करने हो, इसी के साथ ही ट्रेडिंग वगैरह करनी हो, और हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट करना हो गवर्नमेंट के साथ, और इसी के साथ कोई भी अगर इश्यूज हो गया हो तो उसको सॉल्व करना हो, इन सारे पैरामीटर के आधार पर ये इंडेक्स है वो यहाँ पे जारी किया जाता है। अब देखो इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्कोर तो किया है। इस बार जो इंडिया की रैंकिंग या स्कोर रहा वो रहा है 63, लास्ट ईयर था 77, और लगभग 190 कंट्रीज में पार्टिसिपेट वो कर रही हैं और इस बार रहा है 63। बट देखो गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि भाई इस बार हम जो मतलब हमारा रैंकिंग है वो लगभग अंडर 50 के अंदर आनी चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट है वो लगभग 63 के आसपास पहुंची है। तो काफ़ी अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि भाई हमारे देश में जो डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि 12 इंडिकेटर्स हैं, इनके आधार पर जारी किया जाता है, और इंडिया का जो स्कोर है वो पिछले साल से 14th अच्छा रहा है। पिछले साल 77 था, इस बार 63 है, वो आगे है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं इंडिया के लिए। देखो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया कुछ एरियों में काफ़ी पीछे रहा है, इसकी वजह से रैंकिंग में हमें इतना 63 रैंकिंग यहाँ पे मिली है। जैसे एक तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अप्लाई करने में इन्फोर्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस सेटअप करने वालों को। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है इस सेक्टर में यानी कि इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में वो रैंकिंग रही है इंडिया की 63, 190 कंट्रीज में, मतलब यहाँ पर इंडिया पीछड़ गया है। इसी के साथ ही इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम रहती है वो रहती है लैंड एक्वायर करने की, और यहीं पे बात आ गई रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी की। इंडिया में जो प्रॉपर्टी वगैरह रजिस्टर करनी हो किसी भी फर्म को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 154 रही है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ पे इंडिया काफ़ी पीछे रहा है, इसकी वजह से हमारी रैंकिंग है वो 63 पे आके अटक गई है। एक पैरामीटर है यहाँ पे ये भी इंडिकेशन ये भी दिया गया है कि देखो अगर कोई भी कंपनी का या कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको इंडिया सॉल्व करने में एवरेज हम बात करें तो लगभग 1445 दिन लगाता है। मतलब इंडिया में अगर कोई भी कंपनी का इश्यू होता है उसको कम्प्लीटली सोल्व होने में लगभग 1500 दिन के आसपास का टाइम यहाँ पे लग रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं जिसमें OECD कंट्रीज आती हैं वहाँ पे ये टाइम है वो 1/3 हो जाता है, यानी वहाँ पे जो काम है लगभग 450 या 500 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। तो ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे इंडिया में बिजनेस सेटअप करने में दिक्कत आती है, तो गवर्नमेंट को इनकी तरफ फोकस करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करना चाहिए ताकि हमारे देश की इन्वेस्टमेंट रैंकिंग रिपोर्ट बूस्ट की जा सके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है स्नो लियोपर्ड के बारे में। देखो स्नो लियोपर्ड क्या है वो हम देख लेते हैं। यह है बीकेट फैमिली का ही पहले एक बात एक जानवर है। बीकेट फैमिली यानी जिसमें लॉयन भी आता है, टाइगर आता है, जो पेंथर वगैरह है वो सब इसमें आते हैं। अभी न्यूज ये आई है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहला नेशनल प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट किया गया है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन को काउंटिंग करने के लिए। इन इम्यूरेट का मतलब होता है कि इनकी संख्या काउंट की जाएगी, जिस तरीके से पॉपुलेशन की गणना की जाती है उसी तरीके से स्नो लेपर्ड की संख्या को काउंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया में। अभी इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे था उसी मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने कदम है वो उठाया है। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो स्नो लेपर्ड है वो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में, पहले यह इंडेंजर्ड में था बट अभी इनकी संख्या में इजाफा हुआ तो इनको वल्नरेबल लिस्ट में शिफ्ट है वो कर दिया गया है। इनका आवास ये देखो लगभग 3000 से 4500 मीटर की हाइट में रहते हैं, वहाँ पे सर्वाइव है वो करते हैं जहाँ पे बर्फ वगैरह जमी रहती है, और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। इसी के साथ ही पाकिस्तान का नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो भी स्नो लेपर्ड है। तो ये दो फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करें कि ये फ्रीली स्नो लेपर्ड कहाँ पे घूम पाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पे है। तो इनका जो हैबिटेट है वो है अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज़, वो जो हिमालय रीजन वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्नो लेपर्ड मेनली पाया जाता है। और चाइना के पास जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी स्नो लेपर्ड हैं वो 60% चाइना में रहते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर मेनली तिब्बत वाला हिस्सा आता है और तिब्बत मेनली आप जानते हो कि हिमालय वाले रीजन में काफ़ी फैला हुआ है, इसीलिए वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है। कुछ और अगर हम फैक्ट की बात करें तो साइट्स से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं
उसकी प्रोटेक्शन की लिस्ट में अपेंडिक्स में इसको शामिल किया गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरा है तो प्रोटेक्शन इसको अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है। इसी के साथ हम देखते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड फॉर्म 2013। देखो, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक फॉर्म बनाया गया था 2013 में, जिसमें 12 कंट्रीज आती हैं, जहाँ पे जिन्हें हम टाइ जो स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। देखो, स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे स्नो लेपर्ड फ्रीडली मूव है वो कर सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और एक इम्पोर्टेंट बात एक है, बिश्केक डिक्लेरेशन। बिश्केक डिक्लेरेशन है वो इसीलिए आई थी कि भाई स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट किया जाए और इसके इन्वायरमेंट और इसके हैबिटेट को कंजर्व है वो किया जा सके। तो बिश्केक डिक्लेरेशन के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। इसी के साथ ही ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिसका टारगेट ये है कि जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो आपस में इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके स्नो लेपर्ड के आवास को और इनका जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसको कंजर्व करें। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।